हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल गोफ्रेश गार्डन में स्वागत है। आज हम बिल्कुल आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे और बताना चाहेंगे कि ये हमारे प्लांटर्स हैं, जो हमारे जो किचन के जो तेल के जो डिब्बे निकलते हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसको हमने फेंका नहीं है, उसका हमने रीयूज़ किया है। उससे हमने ये पेंट करके अच्छे अच्छे प्लांटर्स बनाए हैं, क्योंकि आजकल मेरे पास कुछ प्लांटर्स कम भी हो रखे थे। तो देखिए, जो बैल कोल्हू का जो ये डिब्बा होता है, उससे मैंने कट करके और इसे ये प्लांटर बना के इसको पेंट किया है। और इसमें हमारे अच्छे अच्छे मॉजरोज खिले हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा इसमें गुड़हल खिला हुआ है, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा गुड़हल इसमें लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है ये। और इसमें एक प्लांट लगा हुआ है, इसको पत्थरचट्टा भी कहते हैं लोग। और ये जो मेरा छोटा सा ये पॉट है, ये हमारी बेटी ने इसको पेंट किया है, पिटी पिटी बेटी ने हमारी। और छोटे छोटे स्टोन्स भी उसमें पेंट करके रखे, इसको मैं आपको एकदम जूम करके दिखाऊँगी। ये देखिए, ये हमारे घर में एक कप रखी हुई थी, जिसका हैंडल टूट गया था, उससे बनाया है मेरी बेटी ने इसको। और ये हमारे अच्छे अच्छे सब प्लांटर्स हैं। तो अगर आप लोग भी चाहें तो अपने किचन से कैसे जो भी खाली बॉटल्स डिब्बे केन निकलती हैं, आप उन्हें यूज़ करके बहुत अच्छे से ये ऐसे प्लांटर बना सकते हैं। ये देखिए, मेरा 1, 2, 3, 4 एंड किट्टूशा 5। ये 5 प्लांटर्स हमारी किचन से जो खाली हुई चीज़ें हैं, ये उनसे बना हुआ है। इसमें अच्छे अच्छे मॉजरोज खिल रहे हैं बढ़िया से। ये देखिए, मॉर्निंग टाइम हो चुका है, आराम से खिल रहे हैं सब। बहुत अच्छी आजकल फ्लावरिंग भी होती है, बारिश हो रही है बढ़िया सी। तो अगर आप लोग भी चाहें तो आप अपने ऐसे ही किचन से खाली डिब्बों को यूज़ करके ऐसे सुंदर सुंदर ऐसे प्लांटर आप लोग भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। भाई साहब, सब्सक्राइब करते रहिए।